परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम ईश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने के यत्न कर अनंत जीवन प्राप्त करें तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम समस्त के सानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतोस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया,
पवित्रों की संगत पर पापों की क्षमा देह के जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। आप सबों को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में अनुग्रह शांति अधिकारी से मिले आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को भला चंगा रखा है, अपनी सुरक्षा में बनाए रखा है, अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखा है और निश्चय ही अपने शांति में हमें तो बनाए रखा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आज हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं और तेरे वचन को हम समझना चाहते हैं, तो आप ही हम सबों की अगुवाई कर, अपनी आत्मा से हमें चला ताकि हम तेरे वचन की बातों को समझें, उसे हम सुने, ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में हम लागू करने पाएं। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर, आमीन। आज के रविवार का नाम है युदिका रविवार। युदिका का अर्थ होता है न्याय कर और इसका आधार वचन हम लोग भजन संहिता 43 का एक हम देख सकते हैं, जहां भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। तो आज इस वचन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर सच्चा न्यायी है और परमेश्वर ही सच्चा न्याय करता है। वो किसी से पक्षपात वो नहीं करता है, परंतु वह हमारा सच्चा न्यायी परमेश्वर है। और निश्चय प्रियो, आज का जो मनन का जो वचन है, जो यूहन्ना 8 उसका 46 से 59 तक लिया गया है, और जहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने आने के मकसद को बतलाते हैं और वह इस बात को बतलाते हैं कि वो मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आए हैं। और हम इस बात को भी देखते हैं कि लोग उससे वाद विवाद करते हैं, यहूदी उससे वाद विवाद करते हैं, और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं कि वह अपने को अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और निश्चय ही मसीहा के आने की जो बात यहूदी लोग जो रहे थे और वे मसीहा को अपने समझ के अनुसार उन्होंने समझने का प्रयास किया, और इस तरह से जो अपनी समझ का उन्होंने सहारा लिया, अपनी समझ के अनुसार उन्होंने मसीहा को समझना चाहा, और इसके कारण से हम देखते हैं कि वे प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं और वे उसे वाद विवाद कर रहे हैं, और वे इस बात को कह रहे हैं कि वो जो है वह मसीहा नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मसीह यीशु ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सच्चे मसीह हैं। जैसे आज के वचन को अगर हम लोग गौर करें, यूहन्ना 8 का 46 से 59 तक जो वचन है, जहां उन्होंने कम से कम दो बातें ऐसी कही है जिससे यह साबित हो जाता है कि वो मसीहा हैं। पहली बात उन्होंने यह कहा कि वो एक निर्दोष हैं, वो निष्पाप हैं, इस बात को उन्होंने कहा। और हम लोग जैसा जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो संसार के लोगों को, हम सबों को पाप से बचाने के लिए आए, और वे एक निर्दोष मेमने के रूप में आए, जिसे परमेश्वर का निर्दोष मेमना भी कहा गया है, और जिसमें कोई पाप नहीं था। और इसलिए जब वो एक क्रूस पर मरे तो वे जगत के पापों के लिए मरे, हम सबों के पापों के लिए मरे, और इस तरह से
उन्होंने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का मूल्य चुकाया, जैसा वचन कहता है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और इस मजदूरी को प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा चुकाया। और वचन जो हमें बतलाता है कि परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में हम सबों के लिए अनंत जीवन है। और निश्चय प्रियो, यीशु मसीह वो अनंत जीवन हमें देते हैं और मृत्यु को वह हमारे जीवन से दूर करते हैं। और जैसा साक्षी वाणी में हम एक गीत गाते हैं कि उसके मृत्यु से मृत्यु समाप्त कर दी गई, साक्षी वाणी 53 में हम लोग यह गीत को हम लोग गाते हैं, संभवतः 3 पद में आता है कि उसकी मृत्यु से हमारी मृत्यु खत्म हो गई। वो इस कारण से कि वह निर्दोष थे। और वचन ये बताता है कि जो पाप से अनजान थे वे हमारे लिए पाप बने और क्रूस पर मरे, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। और दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमें दी है और उसने अनुग्रह के द्वारा यह सब कुछ हमें दिया है कि हम विश्वास के द्वारा उसे हम प्राप्त करें। मेरे प्रियो, सचमुच में हम इस बात को देखते हैं कि वह परमेश्वर जो जगत से प्रेम किया है, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और इस प्रेम के कारण से उसने अपने इकलौते बेटे को हमें दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करके हम जीवन प्राप्त करें। और वचन बताता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, अर्थात मृत्यु से पार हमारे जीवन को कर देता है। और यह एक अद्भुत परमेश्वर का दान है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर का वरदान है, उद्धार जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है, परमेश्वर का गिफ्ट है, वह हमारे लिए दान है। और उस गिफ्ट को हमें विश्वास से ले लेना है, और ये कर्मों से हमें नहीं मिला है प्रियो, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। इसलिए कहता है जो विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। निश्चय प्रियो, आइए जबकि हम उस प्रभु को पहचाने जो कि आज हमारे लिए बिल्कुल सच्चे जीवित रूप में आज हमारे सामने वह उसका वचन हमारे सामने है। जबकि वह कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। आज किसी कारण से जो हम लोग सभी जान रहे हैं कि आज जो भी देश की परिस्थिति है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी ये कहना है और उसकी घोषणा है कि हम अपने घर में रहें और घर से बाहर हम ना निकलें और हम एक सामाजिक दूरी बनाए रखें। और ऐसे समय में प्रियो, हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन यह जो आज हमारे लिए जो जरिया है, जो ऑनलाइन का जो हमारे लिए जो तरीका ईश्वर की आशीष है और जो उपाय ईश्वर की ओर से हमें मिला है, आज उसका हम सदुपयोग करते हैं। और निश्चय ही जबकि ऐसे समय में जबकि यीशु मसीह जो वचन के अनुसार वो हमारे पापों के लिए मरे, और इस बात को उसने पहले ही हमें बता दिया, पहले ही उसने कह दिया कि वो हमारे लिए मरेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे, और जैसा हम सभी जानते हैं कि वह जी उठे। और निश्चय ही आज वो जीवित प्रभु है। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज जब हम ऐसी परिस्थिति के बीच हैं, और निश्चय ही बहुत सारे हमारे भाई बहन घबराए हुए भी होंगे, लेकिन प्रियो आज प्रभु के वचनों को हमें याद करना है, जहां प्रभु हमसे कहते हैं कि हम ना घबराएं, हम ना डरें, हम यह चिंता ना करें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन प्रियो आज जैसा प्रभु ने कहा, पहले उसके राज की खोज करो, पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। आज समय है प्रियो,
वह प्रभु जो जी उठकर के वो अनंत हो अनंत में परिवर्तित हो चुका है, वो अब सीमित शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वह सब जगह हमारे बीच में है। आज वो आपके साथ आपके घर में भी है। आप विश्वास से उसको अपने पास देखने का प्रयास करें। आप विश्वास से आप जाने कि जब आप प्रभु को अपने दिल में बुलाते हैं वो आपके दिल में आ जाता है। जब प्रभु को आप पुकारते हैं, यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो आपके बीच में आ जाता है। और जहां भी आप हैं वहां भी पुकारते हैं, जहां से भी आप पुकारते हैं प्रभु वहां पर आपके बीच में आ जाता है। प्रभु अनंत हो चुका है, वह सामर्थ्य परमेश्वर है। और वचन बताता है जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने सृष्टि को रचा, जो वचन के रूप में था और देहधारी होकर हमारे लिए आया ताकि हमारे पाप का कर्जा को वह चुका सके। और वह चुकाया क्योंकि वह निर्दोष था, उसका खुद का पाप नहीं था, और वह हमारे पाप का मूल्य चुकाया और अपना लहू बहाया। प्रिय वह लहू आज सचमुच में हमारे पापों को धोता है। आज हम ये कह सकते हैं कि आज जगत कोरोना वायरस से डर रही है, निश्चय ही पाप भी इसी तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसा घातक चीज है जो वचन बताते हैं जिसके द्वारा मृत्यु इस जगत में आ गई। आज प्रभु यीशु मसीह उसका समाधान हमारे सामने लाते हैं, और वह क्रूस का वह बलिदान हमारा समाधान है, वह लहू हमारा समाधान है, जो लहू के द्वारा आज वचन कहता है कि हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है प्रियो कि हम विश्वास करें। आज यहूदी जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उससे बहस कर रहे थे, हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर भरोसा करें। ऐसा हम ना समझे कि सारे यहूदी ने उनसे बहस किया, लेकिन उसके चेले खुद यहूदी थे। बहुत सारे यहूदियों ने इस पर विश्वास किया, और हम कह सकते हैं आज भी बहुत सारे यहूदी इस पर विश्वास करते हैं। आज हम विश्वास करें और यह भरोसा करें कि वह हमारा उद्धार करता है, जो हमारे हमें पापों से बचाता है और हमें पापों से छुड़ाता है, और ना सिर्फ पापों से छुड़ाता है लेकिन हमें अनंत जीवन देता है, मृत्यु के पार के जीवन को हमें देता है। और इसलिए प्रियो आज हम उसके वचनों को हम गौर करें जहां प्रभु ने 365 बार कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब आपको डर लगे आप यीशु मसीह के वचन को याद कीजिए, और वचन जीवित वचन है। जैसा कि आज का हमारा जो दूसरा वचन है पत्रस की पत्री से, पहला पत्रस 17-25 जो वचन है, जहाँ कहता है वो वचन जो है ईश्वर का जो वचन है वो अविनाशी वचन है, वो वचन हमें दिया गया है। आज उन वचनों पर हम ध्यान करें। ये समय हमारे लिए है प्रियो, एक समय ईश्वर ने हमें दिया, मानो हमारे लिए एक रिट्रीट के समान है जहाँ हम घर में रह रहे हैं और सबसे अलग थलग होकर रह रहे हैं। निश्चय ही आप ईश्वर के नज़दीक आए, और यह समय को बहुमूल्य समय जो ईश्वर ने हमें दिया है वो बहुमूल्य रूप से हम उसको व्यतीत करें, ईश्वर के साथ व्यतीत करें, ईश्वर के संगति में व्यतीत करें। जरूर आप सूचनाओं को देखें, जानकारी लें, लेकिन अधिक भी ना देखें। ऐसा ना कि हो कि आप घबराएं, लेकिन आप अधिक से अधिक वचन को देखें, वचन पर ध्यान करें कि आपको परमेश्वर की शांति मिले, क्योंकि वचन कहता है, ईश्वर का वचन हमें शांति देता है, हमारे भय को दूर करता है। इसलिए आज प्रियो हम ईश्वर के वचन पर विशेष ध्यान करें, विशेष मनन करें। हमारे लिए पंजिका भी दिया गया है, पंजिका में जो वचन हमारे लिए दिए गए हैं उन वचनों को आप दिन के अनुसार खोलें, उस पर बारीकी से ध्यान करें। कोई हड़बड़े नहीं है प्रियो, आपके पास काफ़ी समय है। आप धीरे से प्रार्थना पूर्वक आप ईश्वर से प्रार्थना करें, और जैसा वचन बताता है ईश्वर हमारी समझ को खोल देता है कि हम वचन को समझ सकें। और इस बात के लिए पौलुस की प्रार्थना आप करें। पौलुस का प्रार्थना जो है, जो इफिसियों के पत्र से जो प्रार्थना हम लोग देखते हैं, जो पौलुस प्रेरित ने किया है, इफिसियस 1:16 से आगे हम पढ़ें, जहां पौलुस की प्रार्थना को हम देखेंगे, जो इसने प्रार्थना किया, जो निश्चित रूप से ईश्वर की अगुवाई में किया गया प्रार्थना है। और वो प्रार्थना को आप अपनी प्रार्थना बनाएं और अपने लिए वो प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए करें, मंडली कलीसिया के लिए आप करें। निश्चय ही यह प्रार्थना एक प्रार्थना है जहाँ की पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना किया कि लोगों की समझ खुल जाए। और निश्चय प्रियो आज हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन जो हम लोग पुराने नियम में दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7:14 में हम लोग देखते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं वे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अंग्रेजी में लिखता है I will heal their land। तो इस तरह से परमेश्वर ही हमारे देश को चंगा कर सकता है प्रियो। आवश्यकता है कि हम जो उसके लोग कहलाते हैं, परमेश्वर हमें अपने लोग कहता है, हम उससे प्रार्थना करें, दीन होकर उसके पास आए। परमेश्वर निश्चित रूप से आप सबों को बड़ी शांति दे, बड़ा ढाढ़स दे, धीरज दे, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे। सबों को ईशु सहाय। आमीन। Yeshua
प्रार्थना करें हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और गिढ़ाया जाए हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री हमारे राज्य के गवर्नर हमारे मुख्यमंत्री और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं हमारी कलीसियाई सभाओं सेंट्रल काउंसिल डायसिसन काउंसिल कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं और को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं जगत की लुथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं कलीसिया के विद्यालयों शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल उनको बढ़ते दे उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए अपनी कृपा से उन सब पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार के शक्ति और दुख में है उनको शांति दे हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त अशांति में है भय में है चिंता में है उनके संग हो उन्हें अपनी शांति दे उन्हें तो इस अपने धर्म दैन्य हाथ से थाम ले ताकि वे तेरे द्वारा संभाले जाए उनका जीवन स्थिर हो जाए और तेरे शांति में तेरी अगुवाई में वे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वो सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट उन पर दया कर कि वो सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधकार में है अपनी ज्योति चमका हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा क्योंकि राज और पराक्रम और महातम सदा तेरी है आमीन अब त्रिक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे तुझ पर अनुग्रह करे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे अपना कुशल देवे आमीन सहाय